दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तभी जो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग है वह गूगल के सर्च रिजल्ट में आती है। इसलिए ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक एमए फास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली डेली वीडियोस देख पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, और ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद अब आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अब यहाँ पर आपको सर्च प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर आपको इसके सामने एडिट का बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एडिट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप गूगल सर्च कंसोल के पेज पर चले जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से ही अपनी जो वेबसाइट की प्रॉपर्टी है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों गूगल सर्च कंसोल में आने का एक और तरीका है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अबाउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल का पेज ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वापस उसी गूगल सर्च कंसोल के पेज पर आ गए हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो ब्लॉगर से भी इस पेज पर आ सकते हैं या गूगल में डायरेक्ट भी सर्च करके इस पेज पर आ सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे गूगल सर्च कंसोल में। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे गूगल सर्च कंसोल में तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल एड्रेस से। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें दो मेथड दिए होंगे वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है वो डोमेन है, तो यहाँ पर आप डोमेन के थ्रू अपनी वेबसाइट ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको https या www डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर example.com यानी कि अपना डोमेन नेम डालकर भी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा मेथड है वो है URL प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको https और www.example.com यानी कि यहाँ पर आपको https और www डाल के ही अपनी वेबसाइट को यहाँ पर वेरीफाई करना है गूगल सर्च कंसोल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो मेथड मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी मेथड से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का URL डालना है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाना है, और ब्लॉगर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको वी ब्लॉग पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने ब्लॉग का URL को कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने ब्लॉग के URL को कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वापस आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का जो URL आपने कॉपी किया था आपको उसको यहां पर पेस्ट करना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमने अपने ब्लॉग का URL पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे एक और पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा ओनरशिप ऑटो वेरीफाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओनरशिप ऑटो वेरीफाई बता रहा है ये हम आपको बता दें क्यों बता रहा है। दोस्तों ये जो ओनरशिप ऑटो वेरीफाई बता रहा है यानी कि जो हमारी वेबसाइट ये ब्लॉग है गूगल सर्च कंसोल में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गई है, इसलिए
ऑटोमेटिक वेरीफाई हुई है, क्योंकि हमारा जो जीमेल एड्रेस था ब्लॉगर का और जो हमारा गूगल सर्च कंसोल का जीमेल एड्रेस था वो दोनों सेम था, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गए है ओनरशिप। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी जो ब्लॉग या वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर हमारी जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें हमारी जो ब्लॉग की वेबसाइट की प्रॉपर्टी है यानी कि URL है वो वेरीफाई हो गए है गूगल सर्च कंसोल में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका जो जीमेल एड्रेस अलग है और आपका जो गूगल सर्च कंसोल का जीमेल एड्रेस अलग है, तो आपको किस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ब्लॉगर का जीमेल एड्रेस है वो अलग है, और यहाँ पर जो हमारा गूगल सर्च कंसोल का जीमेल एड्रेस है वो अलग है। तो हम दूसरे जीमेल एड्रेस से अपनी ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अब आप अपने ब्लॉग का URL डालेंगे और नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई आएगा प्रॉपर्टी का। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटो वेरीफाई नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर का जीमेल एड्रेस है वो अलग है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि यदि आप इस मेथड से वेरीफाई करते हैं अपनी ब्लॉगर ब्लॉग को, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा HTML टैग का, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको इस कोड को कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी का बटन मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे आप इस कोड को कॉपी करेंगे, कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस कोड को कहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर थीम के HTML में हेड के नीचे इस कोड को पेस्ट करना है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करना है, और ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको थीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपको एडिट HTML के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने आपके ब्लॉगर थीम के HTML का कोड बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, दोस्तों जो आपने गूगल सर्च कंसोल में ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपने जो HTML टैग में जिस कोड को कॉपी किया था, इस कोड को कॉपी करके आपको अपने ब्लॉगर थीम के HTML में आना है, और HTML में आने के बाद यहाँ पर अब आपको हेड के नीचे उस कोड को पेस्ट करना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आपके ब्लॉगर थीम के HTML में सबसे ऊपर में आपको हेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको हेड के नीचे स्पेस देकर उस कोड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम गूगल सर्च कंसोल के कोड को पेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट ब्लॉक है वह गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हेड के नीचे गूगल सर्च कंसोल वाले कोड को पेस्ट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हेड के नीचे एक स्पेस दिया और उसमें स्पेस में हमने इस कोड को पूरा पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहां पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये सेव हो रहा है ब्लॉगर थीम का HTML। अब दोस्तों यहां पर ये हमारा ब्लॉगर थीम का HTML सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वापस गूगल सर्च कंसोल के पेज पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम वापस उसी पेज पर आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपको आपने इस HTML टैग के थ्रू अपनी ओनरशिप वेरीफाई करी थी, तो हमने इस कोड को पेस्ट कर दिया है। अब कोड को पेस्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने इस मेथड से वेरीफाई किया है, तो यहाँ पर आपको नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये चेकिंग हो रहा है वेरीफिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि जो हमने ब्लॉगर थीम के HTML में गूगल सर्च कंसोल का कोड पेस्ट कर दिया था, इसलिए वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आपको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल में हमारी ब्लॉग या वेबसाइट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में एक साइट में क्रिएट करना है। तो आपको साइट मैप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर अब आपको लेफ्ट साइड में साइट मैप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू साइट मैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टाइप करना है sitemap.xml। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से टाइप करेंगे आपको भी उसी तरीके से टाइप करना है।
दोस्तों आपको इस तरीके से साइट मैप डॉट एक्स सी एम एल टाइप करना है, जैसा कि यहाँ पर हमने टाइप किया है साइट मैप डॉट एक्स सी एम एल। तो यहाँ पर आपको साइट मैप के ऑप्शन में आकर यहाँ पर आपको एक नया साइट मैप क्रिएट करना है, और उसमें आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको साइट मैप डॉट एक्स सी एम एल टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो साइट मैप है वो सबमिट हो रहा है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक मैसेज शो हो रहा है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा साइट मैप था गूगल सर्च कंसोल में हमारी वेबसाइट का, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको गॉट इट के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपने जो साइट मैप सबमिट किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टेटस में यहाँ पर आपको कुछ नॉट फेट का यदि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दूँ ये कुछ देर बाद फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस है यहाँ पर कुड नॉट फेच अभी आ रहा है आप, तो जब आप सबमिट करेंगे साइट मैप को तो यहाँ पर आपको के एरर भी आ सकता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ देर बाद ये स्टेटस सक्सेसफुली यहाँ पर बताने लगेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, यहाँ पर आप साइट मैप के ऑप्शन में आके तो यहाँ पर स्टेटस में आप चेक करेंगे तो ये यहाँ पर सक्सेस लिख कर आ जाएगा ग्रीन कलर में। अब दोस्तों आपको जो ब्लॉगर ब्लॉग है वो सक्सेसफुली गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हो चुका है, और आपने एक साइट मैप भी क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आया होगा। यदि हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।